हेलो वॉचर्स, तो आज हम जानेंगे एक कहानी जो है बड़ी पुरानी, क्योंकि कहानी है रोम साम्राज्य की। रोम रोम भाइयों। अबे टकले, ये वाला रोम नहीं बल्कि ये वाला। हाँ तो दोस्तों, एक है ऐसा योद्धा जिसका सब कुछ है छिन जाता, यहाँ तक कि बीवी बच्चों को भी मार दिया है जाता। तो आखिर कैसे है वो वापस आता और होता है क्या क्या, देखेंगे आज की इस कहानी में। मगर कहानी स्टार्ट करने से पहले, अगर मेरे चैनल पे नए नए आए हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर नहीं करोगे तो मुझे कुछ ऐसे कहना पड़ेगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो कहानी है मैक्सिमस की, जो कि है रोम का सेनापति, योद्धा इतना खतरनाक कि दुश्मनों की हो जाती पतलून की भी। तो युद्ध जीतकर मैक्सिमस आया किंग के पास। किंग भी बहुत चाहता है मैक्सिमस को और मानता है उसे अपना सबसे खास। किंग बोला, बेटा मेरे बाद अब तू ही राजा बनेगा, क्योंकि अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा जो हकदार होगा। जेप्पा! क्योंकि राजा का बेटा तो नालायक है यार, और राजा को भी अब शांति है ओनली भाता, इसलिए राजा अब और युद्ध नहीं लड़ना चाहता। मगर मैक्सिमस भी लगातार युद्ध ही लड़ रहा, बीवी बच्चों को देखने के लिए तरस रहा। बेसिकली गाइस, वो भी राजा के साथ लगातार कई सालों से युद्ध ही लड़े जा रहा था, इसीलिए वो अब घर जाना चाहता था, क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों को बहुत मिस कर रहा था। तो आया मैक्सिमस किंग के पास और बोला, सोचने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर उसको भी नहीं आ रहा होता है राजपाट रास। तो अगले दिन आया किंग का बेटा कमोडस उसके पास। तो किंग बोला, तुम्हारा राजा बनना जनता को नहीं आएगा रास, क्योंकि तुम में नहीं है किंग वाली बात, इसीलिए तुमको नहीं मिलेगा राजपाट। रोता हुआ कमोडस बस बोला एक ही बात, चाहे कुछ भी हो जाए राजा तो मैं ये बनूंगा, और उतार दिया किंग को मौत की खाद। मैक्सिमस को दिल का दौरा बताया गया, लेकिन किंग को देखकर मैक्सिमस साला सब कुछ समझ गया, इसीलिए कमोडस ने मैक्सिमस को गिरफ्तार करवा लिया और उसको जान से मारने का भी हुक्म दिया। मारने के लिए वो लोग मैक्सिमस को दूर ले गए, लेकिन उल्टा मैक्सिमस ने उन सबकी ले ली और सबको पेल पाल कर पहुंचा वो सीधा अपने घर। मगर उसका दिल बैठ गया वहां की हालत देखकर। कमोडस ने मैक्सिमस की बीवी और बच्चे को मरवा दिया था गाइस, ये सब कुछ देखकर वो बहुत रोता है और घायल था इसीलिए बेहोश भी हो जाता है। आगे उसे उठाकर गुलाम बनाकर बेच दिया जाता है, जहां प्रॉक्सिमो नाम का बुढ़ऊ तलवार का खेला खिलवाता है, और मैक्सिमस को भी वो करना पड़ता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो इतना बड़ा ही होता है, तो मैं कहूंगा गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अबे सालो, वो लड़ेगा नहीं तो मरेगा नहीं क्या? और इधर कमोडस बन गया है राजा, लेकिन ना ही उसके सलाहकार उसको पसंद करते हैं और ना ही प्रजा। बताया था ना, साला नालायक है। प्रजा में महामारी फैल रही है और साले कमोडस ने खूनी खेल का आयोजन करवा दिया। बोलता है कि मैं प्रजा का माइंड डाइवर्ट करूंगा। It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. तो गेम का इनविटेशन लगा प्रॉक्सिमो द बुढ़ाओ के हाथ, जिसने उसके लिए बुलाया मैक्सिमस को अपने पास, क्योंकि यार वो इतना बड़ा योद्धा है कि वहाँ पे भी स्टार बन जाता है, मगर अब भी उसकी सच्चाई वहाँ पर कोई नहीं जान पाता है। इधर कमोडस की बहन को भी अपने ही भाई से डर लगता है, क्योंकि अपने ही भांजे को वो गद्दी के लिए मार सकता है। तो इधर वापस खूनी खेल हो गया शुरू। तो देखते हैं अपना ग्लेडिएटर मैक्सिमस क्या करता है गुरु। कमोडस ने एक तरफा मैच करवाया, जहां पर ग्लेडिएटर के खिलाफ बहुत सारे सिपाहियों को खड़ा करवाया, मगर अपना ग्लेडिएटर मैक्सिमस बहुत खतरनाक है भाई, स्ट्रेटजी लगा कर दी कार्रवाई और सबको मार गिराए। तो कमोडस बोला, मोगेम्बो खुश हुआ। जब गया वो मैक्सिमस के पास, तो उसका जिंदा होना उसको नहीं आया रास, क्योंकि उसको बताया गया था कि मैक्सिमस मर चुका है। पूरी प्रजा मैक्सिमस की कर रही थी जय जयकार, इसीलिए कमोडस वहाँ पे देख के मैक्सिमस को नहीं सकता था मार। तो कैद कर लिया उसे और फिर से मैच करवाया, शेरों के बीच अपने सबसे जालिम योद्धा को खड़ा करवाया, लेकिन शेरों को ही नहीं बल्कि जालिम योद्धा को भी मैक्सिमस ने मार गिराया, मगर उसने जान से नहीं मारा बल्कि ओनली हराया। प्रजा हो गए खुश और मैक्सिमस का एक पुराना सेवक मिलने आया। सेवक ने बताया कि आपकी फौज अभी यहाँ से दूर है और सोचती है कि आप जिंदा नहीं हो, इसीलिए टूट गए हैं। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैक्सिमस की फौज उसके एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकती थी, इसीलिए मैक्सिमस सेवक के थ्रू कमोडस की बहन को है मैसेज भिजवाता, क्योंकि यार उसको तो था पहले मैक्सिमस से ही प्यार, और वो भी अपने बच्चे के खाते देना चाहती है कमोडस को मार।
तो हुए मीटिंग जहां मैक्सिमस ने मंत्रियों के साथ बनाया प्लान कि आखिर कैसे लेगा वो कमोरस की जान, क्योंकि यार मैक्सिमस को बदला भी तो लेना है अपने बीवी बच्चों का। हमका चाहिए बदला। लेकिन 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 मंत्रियों और अपनी बहन पर हो गया कमोरस को शक। What the fuck? उसने अपनी बहन को धमकाया, अगर सच तुमने नहीं बताया तो समझो तुम्हारा बेटा तो गया। डर कर बता दिया उसने सब कुछ, और क्या। मैक्सिमस के दोस्तों को मारकर कमोडस ने वापस मैक्सिमस को गिरफ्तार कर लिया। अब वो चाहता है उसको मारना, मगर उससे पहले वो प्रजा के सामने चाहता है करना उसका सामना, क्योंकि यार पूरे रोम में मैक्सिमस की वाहवाही हो रही थी। सभी उसके जाबाजी की कहानियां बोल रहे थे, नारे लगा रहे थे, जो कि दरअसल कमोडस अपने लिए चाहता था। वो चाहता था कि उसकी जनता उसकी ऐसे ही जय जयकार करे, उसको ऐसे ही चाहे, मगर वो तो था नालायक। तो उसने मैक्सिमस को घायल कर दिया और मैदान खूनी खेल में खड़ा कर दिया। वो सोचता है कि वो सबके सामने उसे हरा कर अपनी जय जयकार सुनेगा, वो कितना वीर है, वो ये सब कुछ साबित करेगा। मगर दोस्तों, शेर चाहे घायल ही क्यों ना हो, मगर होता तो वो शेर ही है। लड़ाई में घायल होते हुए भी मैक्सिमस ने कमोडस की पसली हड्डी तोड़ दिया, इतना मारा मुक्का कि साले का मुंह भी फोड़ दिया और उसी के खंजर उसी के सीने में पेल दिया, जिसके बाद दोस्तों वो खुद भी गिर जाता है और भी बच्चों को याद करते हुए स्वर्ग सिधार जाता है, जिसके बाद उसका सम्मान वीरों की तरह किया जाता है, जिसके बाद इसी सीन के साथ मूवी भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यकीन है मुझे इस वीर योद्धा की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।